आज जो बहुजन समाज है, जिसे या बहुजन मूवमेंट कहा जाता है, उसको एकजुट करने के लिए क्या कार्य करने पड़ेंगे और लोगों में क्या अपने अंदर परिवर्तन लाने चाहिए वो भी बताएं। देखिए, माननीय साफ साफ कहा करते थे, जिन समाजों की गैर राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं उनकी राजनीति कभी कामयाब नहीं होती। तो मुझे लगता है कि हमें अपने गैर राजनीतिक जड़ों को पुनः खंगालना पड़ेगा, हमें अपनी विचारधारा पर पुनः काम करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि इस समय जो आंदोलन, जो चीज़ें हमारे आंदोलन का प्रोडक्ट थी, जैसे कि आपने देखा होगा SC ST Act हमारे आंदोलन का प्रोडक्ट था, या रिजर्वेशन, प्रमोशन में रिजर्वेशन हमारे आंदोलन का प्रोडक्ट था, तो ये जो हमारे आंदोलन के जो प्रोडक्ट हैं उनको लोग आंदोलन बनाए दे रहे हैं, ये तो काम नहीं चलेगा। अगर हमारा आंदोलन मजबूत होगा, अगर हमारा आंदोलन बड़ा होगा, तो हम SC ST Act को अपने आप लागू करा लेंगे, हम प्रमोशन में रिजर्वेशन अपने आप ले लेंगे, हम जिसे कहना चाहिए चौकियों पर इंचार्ज बना लेंगे, और हम अपने ऊपर अन्याय अत्याचार को भी रोक सकते हैं। तो अगर सचमुच बहुजन आंदोलन में, बहुजन समाज में एकता का संचार करना है, तो हमको अपनी जो गैर राजनीतिक जड़ें हैं उनको मजबूत करना पड़ेगा। और गैर राजनीतिक जड़ों को मजबूत करने का मेरा मंतव्य यह है कि हम अपने नायकों, नायिकाओं, उनके संघर्षों को देखें। हम उनके संघर्षों को बड़ा छोटा करके देखते हैं। हर आदमी यह सोचता है कि वो पहली बार रेवोल्यूशन करने जा रहा है, जबकि हमारा इतिहास है, बुद्ध से शुरू करके अगर हम रविदास से होते हुए ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु से होते हुए बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम तक आएं, तो 167 साल की पुरानी परंपरा है। और उस हम परंपरा पर गर्व नहीं कर पा रहे हैं, हम लगता है कि मैं आज ही रेवोल्यूशन करने आया हूं और मेरे बाद रेवोल्यूशन नहीं होगा। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही सोच है। लोगों को अपने इतिहास पर, अपने संघर्ष पर, अपने महापुरुषों के संघर्ष को पुनः खंगाल करके देखना पड़ेगा कि उनका अर्जन क्या है। अगर वो उस पर गर्व करेंगे तो मुझे लगता है एकता अपने आप हो जाएगी। विचारधारा की अगर कमी होगी तो व्यक्तिवाद बढ़ेगा, और व्यक्तिवाद बढ़ेगा तो विलगाव बढ़ेगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति की टांग खींच सकता है, विचारधारा की टांग नहीं सीख सकता। तो मुझे लगता है विचारधारा को मजबूत करना पड़ेगा अगर हमको अपने अम्बेडकरवाद को जीवित रखना है। तो प्रोफेसर, अब मान्यवर काशीराम साहब एक बात कहा करते थे, 1585 का फार्मूला बताया करते थे, क्या था है वो 1585 का फार्मूला, और 85% तो वैसे बहुजन समाज को कहा जाता है, लेकिन ये 85% को कैसे मजबूत कराया जा सकता है मान्यवर श्री काशीराम जी के नेतृत्व के हिसाब से? नहीं, देखिए, मान्यवर काशीराम ने बार बार ये कहा, मैंने फील्ड वर्क किया, अगर आप उनके भाषणों को सुने तो 1970s में वो फील्ड वर्क कर रहे थे, और उन्होंने देखा कि समाज के अंदर कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आंदोलन चलाया, संघर्ष किया, चाहे वो अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोग हों, चाहे वो माइनॉरिटी के लोग हों, चाहे वो दलित लोग हों, और फिर बाबा साहब का अध्ययन किया। बाबा साहब ने नारायणा, बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले को अपना गुरु माना, बाबा साहब अंबेडकर ने कबीर को अपना गुरु माना, बाबा साहब अंबेडकर ने बुद्ध को अपना गुरु माना। तो क्यों माना उन्होंने? बाबा साहब ने रिसर्च किया होगा, कोलंबिया में भी रिसर्च किया होगा, बाबा साहब ने रिसर्च करके देखा कि इन लोगों ने बहुजन समाज के लोगों की, चाहे वो पिछड़े समाज के लोग हों, चाहे वो दलित समाज के लोग हों, चाहे वो महिलाओं हों, उनके अधिकारों को सुसज्जित करने का, स्थापित करने का काम किया, और उस स्थापना के अंदर उन्होंने आंदोलन चलाया। तो इसलिए मान्यवर ने उनको अपना गुरु बनाया। उधर नारायणा गुरु ने जो इड़वा आंदोलन चलाया था, उसको भी देखा कि किस प्रकार आंदोलन चला रहे थे, पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट, और सब की सब कांग्रेस के धुर विरोधी थे, ये भी बाबा साहब ने बाकायदा स्थापित किया था उस समय, और मान्यवर ने उनसे वो लिया। तो जिन समाज के लोगों ने ज्योतिबा फूले, नारायणा गुरु, पीरियाबाई रामेश्वर सामकर पेरियार और साहूजी महाराज, माता सावित्रीबाई फूले, इन सबों ने मिल करके उन 85% के लोगों का बाकायदा अधिकार सुनिश्चित करने का संघर्ष चलाया। साथ में जो जैसे फातिमा शेख हैं, वो नहीं होती या उनके भाई ना होते तो ज्योतिबा फूले अपना आंदोलन नहीं चला सकते थे। मान्यवर का बाबा साहब अंबेडकर जब खुलना से इलेक्ट होने गए तो मुस्लिम लीग उनको सपोर्ट कर रही थी, और जब बाबा साहब बाकायदा असेंबली में पहुंचे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पहुंचे, तो उन्होंने सभी अकलियतों के
अधिकारों की सुरक्षित करने के लिए आर्टिकल 25 से 29 तक लिखा कि नहीं, माइनॉरिटीज के राइट भी सुरक्षित होने चाहिए। तो ये एक समन्वय है, जो एक समन्वय है वो सियासी नहीं है, वो सामाजिक है। अगर हम इनको समझ करके कि हाँ सामाजिक आंदोलन में सबके भागीदारी से ही उन्नति और तरक्की हो सकती है, अगर ये समझ करके चलेंगे। हम बहुत लीडरों को देखते हैं, वो जय भीम तो करते हैं लेकिन असलाम वाले खूब नहीं करते। अरे भाई जय भीम करो तो असलाम वाले खूब भी कर दो, तभी तो जो है एकता बनेगी। वो केवल अगर अकलियत समाज का आदमी अगर वो जय भीम कर रहा है तो आपको भी अस्सलाम वालेकुम करना चाहिए, तब कहीं जाके संबंध। और सभी समाजों के लोगों को प्रतिनिधित्व दे करके एक नया युग में बनाना चाहिए, तो अपने आप एकता और संगठन अपने आप मजबूत होने लगेगा। प्रोफेसर साहब एक बात मैं और पूछना चाहूँगा, आखिरी बात है कि बाबा साहब को सभी मानते हैं लेकिन बाबा साहब की और काशीराम साहब की कोई नहीं मानता, क्या कारण? देखिए बाबा साहब को मानते हैं ये बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब को पूरी तरह नहीं मान रहे हैं। अगर बाबा साहब को पूरी तरह अगर बाबा साहब को न मान रहे होते तो मुझे लगता आज अंबेडकरवाद जिंदा नहीं होता। बाबा साहब को मानने वाले हैं, और जैसा कि आपको आपने देखा कि माननीय काशीराम बहन जी उन सबको आंदोलन को लेकर के वही लोग चल रहे हैं, उधर बामसेफ वाले भी अपना काम कर रहे हैं, चाहे बोरकर हों चाहे उनका ग्रुप हो, वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं। तो ये लोग बाबा साहब को समझ करके आगे तो चला रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। लेकिन आपको आपका आंदोलन उतना ही सफल हो सकता है जितने की विघ्न आपके समाज के अंदर कम हो, क्योंकि जो दीगर समाज है, जो दूसरा समाज है, वो भी अपने आप को तैयार करता है कि आपका आंदोलन सफल ना हो, और एन के प्रकारेण वो तोड़ता है। कबीर रहीम की वाणी याद आती है, कह रहीम कैसे निभे केर बेर के संग, वो तो झूमत आपने फाटत उसके अंग। तो कहीं ना कहीं जब जब हमारा आंदोलन मजबूत होता है तब तक एक प्रतिक्रांति हो जाती है, और उस प्रतिक्रांति की वजह से हमारा आंदोलन कमजोर पड़ने लगता है। हमको ये समझना पड़ेगा, बहुजन आंदोलन के लोगों को समझना पड़ेगा कि अपने आंदोलन के अंदर ये जो तोड़ने वाले विघटनकारी शक्तियां हैं उनको किस प्रकार रोकें, उनको किस प्रकार हम समझें कि ये विघटनकारी शक्तियां हैं। और जैसा कि बाबा साहब ने प्रतिक्रांति के लिए कहा था, बिहद्रत ना पैदा होने पाए हमारे समाज के अंदर, अगर बिहद्रत नहीं होगा तो हमारा आंदोलन टूटेगा नहीं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।